पांच तत्वों का बना हुआ हड्डी मांस का पुतला है। मैं आत्मा चैतन्य हूं। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं आत्मा शरीर के नेत्रों द्वारा देखता हूं। कानों द्वारा सुनता हूं। मुख द्वारा बोलता हूं। नासिका द्वारा श्वास लेता हूं। हाथों द्वारा कर्म करता हूं। परंतु मैं न आंख हूं, न कान हूं, न नाक हूं, न मुख हूं, न हाथ हूं। मैं तो इन सब से भिन्न चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। यह शरीर तो मेरा साधन मात्र है। मैं शरीर को चलाने वाला अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मैं इस शरीर से भिन्न हूं। अब अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेट कर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके महसूस करे कि मैं आत्मा अपने मन बुद्धि सहित शरीर से अलग, शरीर के संबंध से अलग, सभी बाह्य पदार्थों को छोड़कर अपने असली धाम, अपने वतन की ओर जा रहा हूं। परम धाम जा रहा हूं। देही घर, शहर, नदी, सागर, पर्वतों को देखते हुए ऊपर की ओर सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर जा रहा हूं। अंतरिक्ष की ओर मैं आत्मा अंतरिक्ष से होते हुए पहुंच गया अपने अनादि घर परम धाम, जहां चारों ओर
सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में चैतन्य आत्माएं अपने अनादि स्वरूप में जगमगा रही है। उन सभी आत्माओं के बीच से होते हुए मैं अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास जा रहा हूं। सुनहरे सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, जहां चारों ओर सर्वत्र शांति ही शांति है। असीम शांति का अनुभव देखे परम ज्योति महाज्योति परम कल्याणकारी ज्ञान सूर्य शिव बाबा से ज्ञान की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा ज्ञान के प्रकाश में जैसे कि नहा रहा हूं। ज्ञान के प्रकाश की एक एक किरण तरंग की तरह मुझ पर आ रही है। मैं ज्ञान के प्रकाश से भरपूरता का अनुभव कर रहा हूं। मैं संतुष्टता का अनुभव कर रहा हूं। मीठे बाबा, आपने मुझे धैर्यता और संयम सिखाया है। प्यारे शिव बाबा, आपने गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस भी सिखाया है। बाबा, मैं बहुत काल से आपसे बिछुड़कर अज्ञानता के अंधकार में भटक गया था। आपने ज्ञान की दिव्य रोशनी देकर हमें दूरदर्शी और विवेकशील बनाया है। विकारों के आवरण के कारण बुद्धि धुंधली हो गई थी।
बाबा आप स्वाध्याय द्वारा हमें विशाल बुद्धि बना रहे हो। अब हम कितना समझदार विचारवान बनते जा रहे हैं। दुनिया की भीड़ में मैं खो गया था, आपने मुझे निकाला और जीवन जीने के लिए स्व अनुशासन सिखाकर आप मुझे जीना सिखा रहे हो। किस प्रकार से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपका सानिध्य पाकर दिव्य बुद्धि का वरदान मिला, स्वयं की सत्य पहचान मिली, कल क्या थे फिर क्या बन गए और आप हमें क्या से क्या बना रहे हो। हमें और क्या चाहिए? बाबा आपने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर हमें परचिंतन परदर्शन से मुक्त कर दिया है। राइट और रॉन्ग की यथार्थ समझ देकर पत्थर से पारस बना दिया है। बाबा आपका बनने से मुझे यह श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म मिला। सबके प्रति समदृष्टि की भावना जागृत हुई। आपने ज्ञान अमृत पिलाकर मुझे सुरजित किया। प्राणों के प्यारे बाबा आप हमें प्रतिदिन ज्ञान देकर श्रेष्ठ मार्ग पर चला रहे हो। हर पल साथ साथ रहने का वायदा निभा रहे हो। बाबा से रूह रिहान करते, बाबा की किरणों रूपी प्यार भरी बाहों में समाये हुए मैं आत्मा नीचे की ओर एक झलक संसार को भी निहार रहा हूं। संसार की बुद्धिजीवी वैज्ञानिक एवं सत्ताधारी आत्माएं स्वयं से दूर होकर
अपने सत्य स्वरूप को भूलकर कितना समय, धन, शक्ति खर्च कर रहे हैं। चांद तक पहुंच गए, लेकिन अपने सत्य स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा को जान न सके। दुनिया की खोज करते करते सुख से वंचित हो गए। साथ ही दुनिया के सर्वनाश की कितनी तैयारी कर चुके हैं। साधनों पर आश्रित होने के कारण एकाकीपन का अनुभव कर रहे हैं। अपनों के बीच होकर भी अपनों से कितना दूर हो गए हैं। आत्माएं धर्म की यथार्थ परिभाषा को ही भूल गई है। दूसरी तरफ धर्म सत्ताधारी धर्म के नाम पर अनेक आत्माओं को जैसे कि भ्रमित कर विकारों के अधीन हो गए हैं। राज सत्ताधारी आत्माएं लोभ लालच में आकर क्षणभंगुर प्राप्तियों को ही सच्चा सुख मानकर संपत्ति को संग्रहित करने में लगे हुए हैं। साधारण आत्माओं के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा हुआ है। और मैं कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा प्रभु प्रेम रस में खोया हुआ हूं। बाबा, आप मुझे दुनिया के झमेलों से निकालकर ज्ञान की रोशनी देकर अपने समान ज्ञान स्वरूप बना रहे हो। बाबा, आप मुझे श्रीमत पर चलाकर अज्ञानता के अंधकारों को दूर कर स्वर्णिम प्रकाशवान दुनिया के लायक बना रहे हो। बाबा, आप ज्ञान के सभी राजों को बताकर मेरे द्वारा आत्माओं के जीवन में रोशनी फैलाने का कार्य करा रहे हो। ज्ञान स्वरूप बन मैं ऐसा दृढ़ संकल्प लेता हूं कि अब मैं आत्मा
जागती ज्योति बनकर सबको सदा सुख देने का ही कर्म करूंगा। अपने ज्ञान युक्त कर्मों द्वारा सबको सुख देता रहूंगा। बेहद के ज्ञान द्वारा मुझे यह समझ मिली है कि बेहद के ड्रामा में सर्व आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किसी का कोई दोष नहीं, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा हो रहा है। जो भी होगा वह बहुत अच्छा होगा। जैसी भी परिस्थिति आए उसके बीच कल्याण का राज समाया हुआ है। ज्ञान नेत्र मिलने से मैं आत्मा त्रिकालदर्शी बन गया हूं। ज्ञान स्वरूप बन, त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर किया हुआ मेरा हर कर्म सफल है।